जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं और हमारे एक भैया पीछे रुके हुए थे। हमारे बाकी वॉलंटियर उस बैल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बैल था जो एकदम से हमारे पास भागकर आया। हमें लग रहा था कि जो बैल है वो एक्टिवा के आगे से ही गुजर जाएगा, क्योंकि एक्टिवा के पीछे तो काफ़ी कम जगह थी। हम दौड़कर उस एक्टिवा के पीछे हो गए, लेकिन आखिरी मौके पर बैल ने उस एक्टिवा के पीछे से ही जाने की कोशिश की। वो तो भगवान का शुक्र है इस वीडियो में हमारे किसी भी वॉलंटियर को कोई भी चोट नहीं आई। करना पाला रे सा जमा वो जो हम गेहूं पकड़ रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगी हमको। अभी जब देखो ये हीरे के पास थी, ठीक है, और उसको पकड़ते पकड़ते इतने गिर गए। उसको पकड़ते पकड़ते ये देखिए, अभी इसका डर रहता हमें, इसलिए हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अच्छा जी, लेकिन धीरे धीरे अब हम देखेंगे ये कहाँ पे बैठती है। अभी हमको लगता है कि हमारा घर गौशाला नजदीक ही है, हम शायद ये वहीं पे पहुंच जाए। रामपुरा फूल की तंग गलियों में इस नंदी बाबा को पकड़ें कैसे? उधर हमारे मन में ये भी एक डर था कि अगर किसी भी हमारे सेवक या किसी भी कॉलोनी के निवासी के इंजरी भी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ नंदी भी अब घबराने लग गया था। नंदी आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे। हमारे सिर्फ 4 सेवादार उस नंदी के पीछे रहे और उन्होंने जैसे तैसे उस नंदी को पकड़ लिया। अभी अभी हमें खबर मिली कि हमारे 2 सेवकों को इस मेन सड़क पे एक नन्ना सा बछड़ा मिला है। हाँ, बच्चा भी इन्होंने बांध रखा है उधर। अरे, शिकारी कुत्ते होते हैं तो कुछ भी हो सकता है इसके साथ। आप देख सकते हैं कि हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं सड़क से बहुत मुश्किल से, बहुत एक रिस्क से बछड़े को गौशाला परिवार को हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। तो वाहनों का भी आपस में एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या गारंटी थी भाई इस बछड़े का एक्सीडेंट ना होता? खैर, आधे घंटे बाद अब इस बछड़े को लेके हम गौशाला परिवार के हॉस्पिटल आ गए हैं।